देख सकते हो देखो ये आरिज बजा के दिखा रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग घूमने जाने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम लोग का बाइक, जैसा कि समीम चला रहा है, तो आज हम लोग घूमने जाएंगे, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो मैं बाइक पर बैठ गया हूँ और ये समीम बाइक चला रहा है। तो चश्मा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा सब चश्मा, तो फिर आगे चलते हैं और मिलते हैं फिर आगे। हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं, जैसा कि आपको दिख रहे हैं ये लालगंज रोड, और हम लोग उलहरा जा रहे हैं। उलहरा मतलब बहुत अच्छा प्लेस है, आपको घूमने में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं फुलहरा, और मेरे को पेट्रोल भी डलवाना है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। ये लोग बहुत गरीब आदमी है। इसीलिए चलते हैं पेट्रोल पंप पे और फिर मिलते हैं पेट्रोल पंप पे। जैसा कि आप देखो मेला लगा हुआ है, तो चलते हैं देखते हैं, घुमाते हैं आपको। मैं बैक कैमरा करके आप दिखाता हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। लॉकडाउन के बाद काफ़ी दिन के बाद ये मेला लगा है। जब से लॉकडाउन था तो कोई मेला वेला नहीं लगता था। तो रास्ता में हम लोग जा रहे थे पेट्रोल भरवाने, तो ये मेला दिखा है। वो लोग पेट्रोल भरवाने गया है, तब तक हम लोग मेला देखते हैं कि कैसा है नहीं है, क्या क्या यहाँ मिलता है। ये दोनों आ गए इधर से पेट्रोल भरवा के, देख सकते हैं यहाँ क्या क्या मिल रहा है। आपको आवाज जा रहा होगा इसमें, बता के देखो। तो मेला में काफी कुछ है, बता के देखो, मेला में काफी कुछ है जैसा कि आपको दिख रहा है। 10 मिनट का टाइम देखो, काफी कुछ है। हेलो गाइस, आप देख सकते हो मेला में क्या क्या बिक रहा है। मतलब आप यहाँ, हम लोग जा रहे थे पेट्रोल भरवाने, तो रास्ता में एक मेला पड़ता है, नाम तो पता ही नहीं है, बट एक मेला पड़ता है। वो समीम को पता है, पूछ लेते हैं समीम कौन सा है। हड़ौली है, हड़ौली मेला, हड़ौली पड़ता है। हड़ौली में एक मेला लगा हुआ है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग मेला है। आप देख सकते हो कि मेला में क्या क्या है। भोपू भी है। कितने का भैया भोपू? तो बर्तन बर्तन सब है, आप देख सकते हो। देखो ये आरिज बजा के दिखा रहा है, काफी आवाज है। तो अगर आप इधर से जाओगे तो ये मेला जरूर घूमना, अगर इधर आप आओगे तब। देख सकते हो
तो ये लोग पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, रास्ते में रुक गया था। तो देखो मेला में काफी कुछ है, बहुत ज्यादा। जैसा के देखो खाने का सामान भी मिल रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे को पेट्रोल भरवाने लेके जाएगा, तो मेला छोड़ते हैं और चलते हैं पेट्रोल भरवाते हैं। और एक जगह फुलर है जाना है, तो वहाँ का मतलब इस प्लेस बहुत अच्छा है। अब वहाँ घूमना तो बोलना कि हाँ बहुत अच्छा, मतलब राजगीर आप गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि वहाँ का कितना अच्छा प्लेस है। सेम राजगीर की तरह वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं पेट्रोल पंप और देखते हैं कि पेट्रोल मिलता है या नहीं। मेला से हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं हम लोग पेट्रोल भरवाने। आगे पेट्रोल पंप है, कुछ दूर पे नहीं है, मतलब आगे आ ही गया पेट्रोल पंप। तो बात करते हुए चलते हैं वहाँ। आपको मेला कैसा लगा बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे को तो लग रहा है कि बहुत अच्छा था मेला, अगर टाइम रहता तो और घूमते। पेट्रोल पंप चलते हैं। हेलो गाइस, हम लोग पेट्रोल पंप आ चुके हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है हम लोग पेट्रोल पंप आ चुके हैं। तो मेरे को लग रहा है पेट्रोल पंप बंद है, समीम पेट्रोल उधर लेने गया है। तो वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि क्या पेट्रोल मिल रहा है या नहीं, पेट्रोल पंप खुला है या नहीं। मेरे को लग रहा है कि ये बंद है। देखो क्या हुआ समीम, नहीं मिला तो पेट्रोल हम लोग को नहीं मिला है। चाचा के देखो करेंगे दारू पाड़े। समीम का फोटो शूट कर रहा है, पोज देखो ये लोग का, पोज देखो। अब वो उधर फोटो
खींच रहा है और ये फोटो खींचवा रहा है। देखो पोज देखो इसका, बाप रे। अब मेरे को बस यही इधर छोड़ दिया है, मैंने बोला कि मेरा खींचो तो ये लोग नहीं खींच रहा है मेरा। ये लोग कितना अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ, आप देख सकते हो कितना अन्याय। और आपको व्यूज मैं दिखाता हूँ यहाँ का, देखो कितना पानी लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पानी हुआ है। मॉर्निंग के टाइम में भी पानी हुआ था, तो आपको देखने ही से पता चल रहा होगा कि कितना पानी हुआ इधर। देखो यहाँ पे एक स्टेशन भी है, वो जो आपको दिख रहा है उधर दिख रहा है वाइट कलर का, वो स्टेशन है। और ये लोग फोटो शूट कर रहा है। तो जो जो हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जब भी हम नई ब्लॉग अपलोड करें और प्रैंक अपलोड करें, ज़्यादातर मैं अपने चैनल पे प्रैंक ही बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ, तो आपका आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चल जल्दी, तो सभी बोल दो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। आरिज भी आई इधर, ज्यादा जैसे लाइक शेयर और कमेंट जो भी करना है करो, एकदम फाड़ दो, एकदम फैला दो, बोले तो फैला दो, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब आरिज, अब समीम फोटो खींच रहा है और आरिज खिंचवा रहा है, वो फोटो पोज दे रहा है। जैसा कि देखो यहाँ समीप बैठा हुआ है और मेरा फोटो वोटो नहीं खींच रहा है भैया, देखो ले रहा पहले से पहले। तो फिर आगे चलते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। देखिए अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, कुछ बात की बस बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो हम लोग बस पासी में है स्टेशन पहुंचने वाले हैं। ये देखिए बगल का नज़ारा, तो आपको व्यूज़ देखने से कैसा लग रहा है ये आप बताओ, यहाँ का आपको व्यूज़ देखने से कैसा लग रहा है कमेंट करो, कमेंट में बताएं। तो ये गाइस आप यहाँ का प्लेस देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आके, मतलब आप आते हैं तो फील करते हैं यहाँ इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। अब जहाँ पानी होगा वहाँ तो ठंडा ठंडा हवा चलेगा ही। और देखो हम लोग पानी में हैं, देख सकते हो अगर खींचना चाहे इस जगह हम फोटो खींचो तो कितना पानी है, पानी में बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा पानी है, ऐसा तो फ्रिज का भी पानी नहीं होगा, इतना कूल है। और ये लोग फोटो शूट करने में लगा हुआ है, सूरज के ऊपर एकदम फोटो शूट करने में ये लोग लगा हुआ है, देख सकते हो वो एकदम फील कर रहा है यहाँ का। तो यहाँ आने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, मेन यहाँ है कि इधर का पानी इधर जा रहा है ना, तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है, ये रोड है जाने का, इधर से रोड है तो यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। अरे बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, ये लोग फोटो शूट करने में लगा हुआ है। यहाँ का माहौल बहुत ही ठंडा है और हम लोग का गाड़ी वहाँ पे लगा हुआ है और स्टेशन वहाँ पे है, जस्ट इस पे चल के थोड़ा दूर जाओगे ना तो वहाँ पे स्टेशन है। वो जो आपको दिख रहा है ये चिमनी है, इसमें ईंटा बनता है, ईंट जो होता है ना जिससे घर बनता है उससे, वो चिमनी में वो ईंट बनता है। तो यही है फुलहरा, आगे स्टेशन है, अगर हम लोग स्टेशन जा रहे हैं तो ये गाइस हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये हो रहा है स्टेशन का नाम, जिसका नाम है हड़ौली फतेहपुर। हम लोग की तरफ ये स्टेशन नया बना है, तो काफ़ी लंबा स्टेशन है जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तो काफ़ी लंबा स्टेशन है, मैं आपको बताऊँ काफ़ी लंबा स्टेशन है जिसका नाम हड़ौली फतेहपुर है, जो कि नया अभी स्टेशन बना है। और वो लोग आड़ी समीप वहाँ पर फ़ोटो शूट कर रहे हैं, वो अभी नहीं आया है। तो इस ब्लॉग्स में बस इतना ही था, हम लोग घूमने आए थे
ये प्लेस देख के मेरे को राजगीर का याद आता है, मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा प्लेस है, इधर का व्यू बहुत है यहाँ, मतलब व्यू बहुत अच्छा है इधर का। यहाँ अगर आप आओगे ना तो फील करोगे, यहाँ का मॉनसून को आप फील करोगे। तो ब्लॉग में बस इतना ही था, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।